Invite Chairman and MD Jharkhand Yuva Sadan to kindly present his address. जोहार सभागार में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय, मंच पे सम्मानित युवा संघ के डायरेक्टर महोदय, अन्य गणमान्य अतिथिगण और हमारे युवा संघ के साथीगण, आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये बहुत खुशी की क्षण है हमारे लिए, युवा संघ के लिए, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, कि आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय आकर के युवा संघ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कर रहे हैं। युवा संघ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2020 में शुरू किया, 2020 से आज ये 2022 तीन साल होने वाले हैं। तीन साल में हम लोगों ने यूथ एम्पावरमेंट का एक ऐसा काम किया है जहाँ पे झारखंड के कोने कोने से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोगों ने लोगों को बुलाया, युवा समूह के माध्यम से उनके बीच में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके, किस तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सके, पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट हम लोग कर सके, और क्या क्या किस तरीके से संविधान चलती है, किस तरीके से असेंबली चलती है, उसका हम लोग एक कार्यशाला करा करके लोगों को एम्पावर कर सकें, इसका आज तीसरा सबसे सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है। ये तीन जो भी हमारे युवा स्तर हुए, 1-2 सदन में हम लोगों ने 90 कैंडिडेट्स को रखा था, इस सदन में हम लोगों ने 145 लोगों को सिलेक्ट किया है। उसके पीछे पर्पस, आज माननीय गवर्नर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उसके पीछे पर्पस हमारी थी कि झारखंड में असेंबली सीट्स बढ़नी चाहिए, उसका एक हम लोगों ने शुरुआत किया। यहाँ से झारखंड की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ की है, 3.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो डेमोक्रेसी कहता है, लगभग 150 लोगों का एक सदन होना चाहिए, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। 150 लोगों के अगर सदन रहेगी तो लोगों की समस्या को समझाने वाले, सुनने के लिए जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं, MLA रहते हैं, वो अपनी बातों आसानी से पहुंचा सकते हैं, जो लोग हैं वो पहुंचा सकते हैं, और जो काम करने के लिए जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर्स चुने जाते हैं, उनके पास भी ये संसाधन उपलब्ध रहेंगे कि वो जो लिमिटेड पॉपुलेशन है उसको सर्व कर सके। तो आज युवा संघ के तीसरा संस्करण, तीसरा कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 145 लोगों को चुन करके झारखंड के हर एक विधानसभा से लाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रारूप को हम सक्सेसफुल तरीके से करें, और ये एक मैसेज भी देश झारखंड को और पूरे भारत को, झारखंड में विधानसभा जिस तरीके से चलनी चाहिए, लोगों के पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ पर डिलिमिटेशन होना चाहिए। उम्मीद है 2026 में डिलिमिटेशन भी हो जाएगी। युवा सदन और क्या कर सकते हैं, करता है युवा सदन, एक पॉलिसी एंड रिसर्च थिंक टैंक है। इवन झारखंड युवा सदन, झारखंड युवा सदन के तहत कृष्णानु जी ने बताया, मैंने बताया कि लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करना है। युवा सदन संस्था का काम है पॉलिसी एंड रिसर्च मेकिंग में, झारखंड में या पूरे देश में पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा रूप होता है, कब कहाँ पे किसको क्या जरूरत है, सरकार का क्या रोल होना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी मिल रही है, ये झारखंड की सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी दी जाती है। तो उसी तरीके से हमारी संस्था ये काम करती है, किस तरीके से क्या पॉलिसी बननी चाहिए लोगों के लिए, किस तरीके से झारखंड के लोगों के लिए या पूरे देश में कौन सी पॉलिसी से लोगों का भला हो सके, उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके लिए सर्वे किया जाता है, उसके लिए लोगों को हम लोगों से डायरेक्ट ग्राउंड पर काम करते हैं, और एक पॉलिसी बना करके हम गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये झारखंड स्टार्टअप प्रमोशनल बिल 2022 जो हम लेके आ रहे हैं, ये भी हमारी तरफ से एक ड्राफ्टेड पॉलिसी है, जिसके तहत झारखंड में हम चाहते हैं कि स्टार्टअप को इंकरेज किया जाए। स्टार्टअप के इंकरेज होने से, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, स्टार्टअप से एम्पावरमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी होगी। आज एम्प्लॉयमेंट देश की ज़रूरत है, अगर झारखंड में एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो झारखंड के यूथ को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आपके यहाँ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, फैक्ट्रीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, और हमें लगता है, उम्मीद है कि स्टार्टअप के थ्रू और अधिक लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोगों ने जोड़ा और स्टार्टअप प्रमोशन बिल को लाया। झारखंड में पूर्ववर्ती रघुवरदास जी की सरकार थी, उसमें स्टार्टअप की एक बिल आई थी, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट तरीके से काम कर रही है। हम फिर से चाहते हैं इस सदन के थ्रू स्टार्टअप पर झारखंड गवर्नमेंट फोकस करें, ये हमारा एक उद्देश्य है झारखंड युवा सदन में स्टार्टअप बिल लाने का। हमारे बीच मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा JUT के कुल सचिव का और कुलपति महोदय का, जिन्होंने हमें
ये ऑडिशन कराएंगे और एमएलएस क्रिएट करेंगे। मैं उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि युवा संघ का अवसर मिलकर के सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद। He said that the 3 days